नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इसमें जीएस के मॉक टेस्ट की। पहला मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट है जीएस का, 150 क्वेश्चंस होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में, देख लीजिएगा लास्ट तक। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलते हैं? ये एक पेड़ से मिलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस के रूप में मनाया जाता है। COPD का है पर पूरा नाम बताना है, तो ये है क्रॉनिक ऑब्जेक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ये भी याद रखना, 17 नवंबर को मनाया जाता है COPD दिवस। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सूची दी हुई है, एक तरफ हार्मोन्स एक तरफ है श्रवण ग्रंथि, तो आपको मैचिंग करना है। प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाशय महिलाओं से होता है, श्रव ग्रंथि महिलाओं में होती है। अगला है टेस्टोस्टेरोन, ये जो है अंडाशय पुरुष में होती है। अगला है थायरोक्सिन, ये है थायराइड, और इंसुलिन ये है अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, EEG में जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो होता है मस्तिष्क, ब्रेन। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक, यह है विषाणु वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? यह है हीमोफीलिया, ये यौन संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें हम कहते हैं स्टेम, यानी कि कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। अगला, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? पहला है बीटी बैगन की रचना, इसमें जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है। दूसरा है बीटी बैगन में बीज टर्मिनेटर बीज है, जिसके कारण किसानों को खरीफ मौसम के पहले बीज कंपनियों में बीज खरीदना पड़ता है। दूसरा, एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा है, यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन में जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। तो इसमें जो तीसरा है और चौथा है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादकों का निर्माण किया जाता है? तो इसमें सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना और उत्पादक के पोषकीय मान बढ़ाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये जो है इनमें सही है। इसमें तीसरा वाला गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, ये किसका प्रतीक है? तो ये है, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती पर आह्वान, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना था। नेक्स्ट है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? तो ये तक्षशिला का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये कहा था आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है ये है जैन। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चला, ये पता चलता मास्की में, ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः ये चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, ये फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने खुद लिखे थे। अगला है, अवाब क्या है? तो अवाब जो है विभिन्न प्रकार का कर, जैसे गृह कर, सिंचाई कर है, अवाब जो है एक टाइप का ये कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग किया गया? ये था मसहत। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ये क्या था? खतौली के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी और विस्तृत स्तर पर पहचान थी, तो ये थी पैगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ये की थी सर TV सप्रू ने। अगला क्वेश्चन, बताना कौन सही नहीं है, मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा, संथाल कानू, अहोम गोमधर कुंवर और नायक ताना भगत, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं में उनको सही क्रम से बताना है। सबसे पहले जो हुआ था वो था लखनऊ समझौता, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर है पूना पैक्ट, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पहला दूसरा ये सही सिक्वेंस में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, ये हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, ये थे महेंद्र प्रताप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, ये था अवध, अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पत्रिकाओं की सूची दी हुई है, आपको बताना है कि कौन किससे संबंधित है, जो आपको बताना है कि इसमें एनी बेसेंट किससे संबंधित है, एनी बेसेंट का संबंध किससे है, तो ये था न्यू इंडिया से और कॉमनवेल्थ से, ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कारण है कि इससे भारतीय साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड वो दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये किया था सुरेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति का की स्थापना की, ये थे वरिंद्र घोष, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया, ये हुआ था बेलगांव में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया, ये बेलगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में लगभग सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली भारत में क्रियान्वित रही 1921 से लेकर के 1937 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे, पहला गहरे खड्डे, दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा समानांतर पर्वत श्रेणियां और चौथा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान। तो ये सभी जो है सही है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे आपको ये चारों चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कटौती होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो जाता है, सही है ये। दूसरा है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, ये गलत है। और तीसरा है ऊपरी वायुमंडल में हवा घनी होती है, तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, जो मिश्रित खेती होती है उसमें पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, बताना है कि यह कौन सा राज्य है। यह वही अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर के जाता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। और तीसरा है 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, लोबिया, मूंग और अरहर। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त में बताना है आपको कि कौन सी दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर जो लोबिया है और मूंग है, ये लोबिया और मूंग, ये दलहन के लिए भी, चारे के लिए भी और हरी खाद के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तीन सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, ये गन्ना उत्पादक राज्य हैं तीन भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो ये कांडला जो है पूर्वी तट पर नहीं है, ये पश्चिमी पे है। इसके अलावा चेन्नई, पारादीप और तुतिकोरिन, ये सब पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है झूमिंग खेती, झूमिंग खेती जो है वो खासी में है, खासी जनजातियों के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, जो सही है वो ऑप्शन देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीकी का विस्तार करना है। और चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के लिए शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक है, अभ्रक उत्पादक जो है इसमें बिहार है। देखिए अगर इसमें आंध्र प्रदेश दिया होता तो अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश हो जाता, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, इसलिए इसमें बिहार उत्पादन, बिहार में अमरक सबसे ज़्यादा होता है। अगला है सरिस्का तथा रणथंबोर, निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो ये बाघ के लिए संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लोह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर के आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का
प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे गोवा तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लोहे अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस प्रकार के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएँ तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है, ये सबसे सही है। अगला क्वेश्चन है, इसराइल की उभयनिष्ठ सीमाएँ जो है ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग हुआ, तो महाद्वीप जो अलग हुए हैं ये विवर्तनिकी क्रिया के कारण अलग हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, डोनबास से क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो डोनबास है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा के उर्वरक पोषक हानि कम की जाती है, सही बात है, और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भूम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो पहला तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरानियन के मैग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य करते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस कार्य को करते हैं वो है, मतलब गरान की इसकी मैग्रोन की बात हो रही है, जो मैग्रोव वनस्पति है, ये वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। नेक्स्ट है, यह संदेह कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से कैसे भिन्न है? तो ये जो है दोनों में से कोई भी इसका नहीं है कि जो ला नीनो है विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप में ठंडे उत्पादन के चरित्रिक होता है, जबकि अल नीनो विषुवत प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप में गर्म तापमान के चरित्रिक होता है। दूसरा, अल नीनो का भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीना एक मानसून, इसमें मतलब ना तो कोई भी सही नहीं है, ना तो पहला ना दूसरा ही। नेक्स्ट है, किम्बर्ले प्रसिद्ध है, ये हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है किम्बर्ले। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध के में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होती है, क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? सियास खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जल डमरू को पार कर नई नहर खोलकर, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी धर्म समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो यहाँ पर यह हकदार होगा वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, और यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो वैधानिक रूप से अगर देखें तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में 18 वर्ष तक की आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता में भूमि का आवंटन और सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना, तो ये सभी जो है सरकार द्वारा उनको उपलब्ध कराए गए लाभ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान 73वां अधिनियम संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? पहला, जिला योजना समितियों का गठन करने की। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों को चुनाव करने की। और तीसरा है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो आंसर है पहला और दूसरा। जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसका लक्ष्य था कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करना और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना, दूसरा तीसरा राइट है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग
तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किया गया था 2026 की तक, ये 2026 तक ऐसा ही रहने का, इसमें ये यथावत रहने का प्रावधान है कि 1971 की जनगणना ऐसे ही रहेगी 2026 तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।